वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज विवेक पांडे। स्वागत है इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल चैनल वाईफाई स्टडी, चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, नाउ द पांडे एकेडमी। अब बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। ये क्लास है कंप्यूटर अवेयरनेस की और यहाँ पे मैं चला रहा हूँ क्वेश्चन सीरीज और जिसका नाम दिया गया लक्ष्य RRB 2020। यानी मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि RRB का पेपर हमारा नजदीक है, प्योर क्लर्क का पेपर होने वाला है, मेन्स अब हमारा होने वाला है, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सारे बच्चे जुड़ जाइए, लिंक को कॉपी कीजिए और आप जितने भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए सब में उसको शेयर कर दीजिए कि सर यहाँ पे करवा रहे हैं बेसिक क्वेश्चन की सीरीज। चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया। दूसरा इन्फॉर्मेशन है मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, सर्च करके विवेक पांडे और मुझे फॉलो करें। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस है वो सब आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। रोजाना रात 8 बजे मेरी फ्री क्लासेस आती है अनअकैडमी पे। मेरे प्रोफाइल पे जाइए और सर्च कीजिए विवेक पांडे और देख लीजिए कि टुडे कौन सी क्लास है। आपको वहां पे दिख जाएगा कि आज कौन सी क्लास है, कल कौन सी क्लास है, ऐसा करके आपको वहां सब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये सारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने लिंक को शेयर कर दिया होगा। दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये मेरी YouTube क्लास की शेड्यूल है, ये हर दिन मैं बताता हूँ, लेकिन सबको मालूम ही है यहाँ पे शाम 3:30 बजे, शाम 6:30 बजे और शाम 11 बजे इतनी मेरी क्लासेज जो यूट्यूब पे चलती है। और राइट डाउन कर लो, शाम 6:30 वाली जो क्लास है वो कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के लिए, वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन है मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन मॉडल में पढ़ाई करते हैं तो आपको वहां स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है बैंकिंग के लिए और सारे कम्युनिटी एग्जामिनेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि बैंक की कैटेगरी में अभी क्लर्क की बैच स्टार्ट हुई है, साथ ही साथ वहां पे पीओ का बैच ऑलरेडी चल रहा है और RRB का बैच है वो भी हमारा प्री और मेन्स का चल रहा है। ये सारे बैचेस को एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी पे बैंक की कैटेगरी में पांडे 11 रेफरल कोड का उपयोग करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर नहीं लिए हैं तो आज ही ले लीजिए, अगर आप अपने प्रिपरेशन के प्रति सिंसियर है तो, ठीक है। चलिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे आके पढ़ाई कीजिए, कोई इशू नहीं है। याद रखिएगा, इसके अलावा ये एक ऐसा यूनिवर्सल कोड है जो कहीं भी एप्लीकेबल है, PANDEY11। आप UPSC का प्रिपरेशन करते हो, आप SSC का करते हो, JPSC का करते हो, रादर देन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो और आपको लगता है कि अनअकैडमी के एजुकेटर है वो आपको सही गाइड करेंगे, तो इस रेफरल कोड का उपयोग करके अनअकैडमी से आज ही आप जुड़ जाइए, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, मेरा खुद का जो बैच है वो सुबह 9 बजे आया है बैंकिंग वाले बच्चों के लिए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है जो कल से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। और रात 9:30 में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट, वो बच्चे जो CS के स्टूडेंट हैं वो रात को 9:30 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा दो है जो पेड कोर्स अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन की सीरीज करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैं चैप्टर करवा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए। तो सारे बच्चों, हेलो रागिनी, हेलो बलवीर सिंह, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब कुछ सबको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेक्शन में। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, क्या कहा जाएगा वो देखिए, बहुत ही कायदे वाला क्वेश्चन आया है। अ कंप्यूटर मैसेज इज, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल, द यूजर क्लिक यस की, इट इज कॉल्ड। जब भी हम लोग स्टार्ट है सारे बच्चे, ये सेशन है लाइव है, आप देख सकते हो वहां पे लाइव चल रहा है, रेफरल कोड वहां पे अप्लाई क्या करना है, पांडे 11, अगर अनअकैडमी के इसमें जुड़ना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी सवाल है किसी को अनअकैडमी के रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। गाइज, ये है आपके सामने पहला सवाल, अ कंप्यूटर मैसेजेस इज, डू यू रियली वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड फाइल, क्या आप सिलेक्टेड फाइल को सच में डिलीट करना चाहते हैं और आप वहां पे यस प्रेस कर देते हो, उसे क्या कहा जाएगा, उसे प्रोग्राम रिस्पॉन्स कहा जाएगा, उसे यूजर आउटपुट कहा जाएगा, उसे यूजर रिस्पॉन्स कहा जाएगा, प्रोग्राम आउटपुट कहा जाएगा, या फिर नन ऑफ दीज कहा जाएगा। बहुत ही कायदे वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, सही आंसर यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर अगर यहां पे है तो उसे हम लोग कहते हैं यूजर रिस्पॉन्स कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, यूजर रिस्पॉन्स। अगर कोई भी फाइल में कोई परमिशन पूछता है
कि आप इसे डिलीट करना चाहते हो, आप इसे ओपन करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो। अगर मुझसे कुछ पूछा जाता है, यानी कि यूजर से अगर कुछ पूछा जाता है, तो उसे कहा जाता है यूजर रिस्पॉन्स कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्या कहा जाएगा? रागिनी तुम्हारा आंसर गलत है। सारे बच्चों का यार एक बार लिख दो ना, काफी है, एक बार लिख दो काफी है। 10 बार यहाँ पे मैसेज करने की आवश्यकता है नहीं, एक बार ही में ही मैं समझ जाता हूँ, समझदार हूं यार, ऐसा नहीं। एक बार ही आंसर लिख दोगे तो मैं समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा समझदार आप भी बनिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। क्या कहा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? टू ओपन डिस्क माउस पॉइंटर इज प्लेस ऑन डिस्क आइकन एंड देन। अगर किसी डिस्क को ओपन करना है, अगर किसी डिस्क को ओपन करना है तो हम लोग डिस्क आइकन पे जाके माउस के साथ क्या कौन सा काम करेंगे। अगर कोई भी डिस्क है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव, ऐसे कोई भी ड्राइव है, अगर मुझे उसे ओपन करना है तो हम क्या यूज करेंगे माउस के साथ, ठीक है? अब माउस इज ड्रैग पुशिंग द बटन या माउस इज डबल क्लिक, माउस के को डबल क्लिक करेंगे, माउस इज रोटेटेड अराउंड, माउस को रोटेटेड अराउंड करेंगे, माउस इज क्लिक्ड आफ्टर रोटेटिंग या माउस को क्लिक करेंगे, क्या होगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए सही आंसर क्या है एक बार यहां पे आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो बिल्कुल सही। बलवीर सिंह बग्घा जो है, बग्घा भाई पंजाब के हो क्या भाई? बलवीर सिंह बघेला, ठीक है? हमें लगता है ये बलवीर पंजाबी है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर एग्जैक्टली। किसी भी ड्राइव को अगर मुझे ओपन करना है तो मैं वहां पर डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा, ये आपका राइट आंसर है। तो राजेश कुमार ने भी सही आंसर दिया है और निधि कुमारी ने भी सही आंसर दिया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहां पे सही आंसर दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को, अब पढ़ते हैं अगले सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्या है मेरे प्यारे साथी वो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सा ऐसा टर्म है जो काम करता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का। अगर मुझे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करना है तो इनमें से कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे, इनमें से कौन सा ऑप्शन का उपयोग करेंगे अगर हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को अंजाम देना है। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? अगर हमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों करना है तो हम मॉडेम का उपयोग करेंगे, हम प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे, हम यहां पे गेटवे का उपयोग करेंगे या फिर यहां पे मल्टीप्लेक्सर का उपयोग करेंगे। सही आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? सही आंसर है मॉडेम इज द राइट आंसर। मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। कहीं लिख लेना मेरे बातों को कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्नल कन्वर्जन का भी काम कौन करेगा तो भी आंसर आपका मॉडेम ही होगा। सिग्नल कन्वर्जन का काम भी मॉडेम ही करता है और मॉडेम का फुल फॉर्म ही होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है? लिख लो, एक नंबर आ गया। दूसरा भी मैं आपको बता देता हूं, प्रोटोकॉल के बारे में क्या कहा जाता है। तो प्रोटोकॉल को कहा जाता है सेट ऑफ रूल्स, लिख लेना कहीं साइड में, सेट ऑफ रूल यूज्ड इन नेटवर्किंग या डेटा कम्युनिकेशन इज नोन एज ए प्रोटोकॉल, लिख लेना कहीं साइड में। गेटवे के बारे में हल्का सा लिख लो। आपसे यह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को ऐड करेगा, दो डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को ऐड करेगा, तो आंसर आपका गेटवे ही होगा। क्या होगा? गेटवे होगा जो दो डिफरेंट नेटवर्क आर्किटेक्चर को ऐड करता है। कौन? तो गेटवे करता है, ठीक है? अब अगला है मल्टीप्लेक्सर कहां पर यूज होता है सर? तो अगर एक ऐसा कंडीशन जिसमें मल्टीपल इनपुट हो और एक सिंगल आउटपुट हो तो वहां पे हम लोग मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल से मैंने अगर 5 तरह के अलग अलग सवाल बन सकते थे वो सब मैंने आपसे जिक्र कर दिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आप लिख लेना मॉडेम के बारे में कहीं से, प्रोटोकॉल के बारे में भी लिख लेना, गेटवे मल्टीप्लेक्सर नॉन ऑफ दिस। देखो मैं हमेशा आपको यह कहता हूं कि अगर हम मेरी क्लास में बैठो तो एक नोटबुक और पेन को लेके बैठो, एक नोटबुक और पेन को लेके बैठो। इससे फायदा ये क्या होगा कि आपको मैं जितना भी अलग अलग चीजें बनाऊंगा आप राइट डाउन करना। यहां पे एंटरटेनमेंट मैं नहीं करवा पाता हूं, ठीक है? मैं एंटरटेनमेंट नहीं करवा पाता हूं, मैं कंटेंट देता हूं, कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है? बाकी एंटरटेनमेंट के लिए मिलेंगे और हम लोग करेंगे पार्टी वार्टी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो
चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, क्या कहा जा रहा है सर। आर सच अ डिस्टिनिक्ट आइटम विच डू नॉट हैव वाइड इंप्लीकेशन इन द गिवन सिचुएशन। इनमें से कौन सा है जो एक अलग अलग आइटम है, वो आपका फील्ड है, मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट आइटम है। अब आंसर तो मैंने बता ही दिया, वो डेटा होगा, वो क्वेरीज होगा, वो प्रॉपर्टीज होगा, या फिर नडोप्टीज होगा मेरे प्यारे साथियों। राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, अगर सही आंसर की अगर मैं बात करता हूं, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फील्ड। फील्ड क्या होता है, डेटाबेस में एक डिस्टिंक्ट आइटम होता है, यानी एक अलग अलग आइटम है। जैसे कि अगर मैं किसी स्टूडेंट की बात करता हूं, तो स्टूडेंट आईडी एक आइटम है, स्टूडेंट नेम एक आइटम है, स्टूडेंट फोन नंबर एक आइटम है, स्टूडेंट एड्रेस है वो एक आइटम है। तो ये सारी चीजें हैं जो फील्ड की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, चलो। तो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, अगला सवाल है ये आपकी स्क्रीन पे है, क्या कहा जा रहा है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अरे यार, क्वेश्चन कैसा लग रहा है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लग रहा है और सेशन कैसा लग रहा है। ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं, बार बार ये बताता हूं कि आप अनअकैडमी के से अगर जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे इस रेफरल कोड का जरूर उपयोग करें। इस रेफरल कोड का पांडे 11 कहीं लिख लो साइड में, PANDEY11, पांडे 11। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर आर यू श्योर विल नॉट टू यूज इफ यू योर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिंट ऑन मल्टी कार्बन फॉर्म्स। निम्न में से कौन सा प्रिंटर है, क्या आप सुनिश्चित कहें कि आपका उद्देश्य मल्टी कार्बन रूपों में प्रिंट करना है। ठीक है, मल्टी, चलिए बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी कार्बन फॉर्म में अगर मुझे प्रिंट करना है तो इनमें से कौन सा है जो सही नहीं हो। ये थिम्बल नहीं होगा, ये थर्मल होगा। ठीक है, ये आपका थर्मल होगा, मैं लिख देता हूं। एग्जैक्टली, मल्टी कार्बन में ऑब्जेक्ट अगर मुझे करना है तो डॉट आपका लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर। लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। हनुमान जी का भी सही आंसर है और बलवीर जी का भी सही आंसर है, बिल्कुल सही यार। मजा आ रहा है और पसंद भी आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में, ज्यादा समय नहीं व्यतीत करना, राइट आंसर पे आते हैं। अ फ्लैट मेटालिक डिस्क दैट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ परमानेंट स्टोरेज इंफॉर्मेशन रीड ऑप्टिकली इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा, हाँ चलो, क्वेश्चन में आंसर आ गया है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया है, तो मैं आंसर, एक फ्लैट मेटालिक डिस्क जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित वैकल्पिक रूप से पढ़ी जाती है, उसे क्या कहा जाएगा। मॉनिटर कहा जाएगा, ALU कहा जाएगा, CD-ROM कहा जाएगा, RAM कहा जाएगा, या नन ऑफ दीज कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों। सही आंसर क्या है एक बार देखते हैं यहाँ पे, मॉनिटर, ALU, CD-ROM या RAM। चलिए इस प्रश्न पे अगर मैं देखता हूं तो राइट आंसर हमारा क्या होता है, राइट आंसर हमारा क्या, सबका गलत है। हाँ बिल्कुल, बलवीर का कहना सही है, सीडी रॉम होगा। देखो जैसे यहाँ पे ऑप्टिकल लिख दिया ना, तो आंसर तो सीडी ही होगा, आंसर तो आपको सीडी ही होगा। ऑप्टिकल में आपको तीन ही आता है, सीडी आता है, डीवीडी आता है, आपका एचवीडी आता है और बीआरडी आता है, ये सारे ऑप्टिकल आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, सीडी रॉम होगा, रीड ऑनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, और लार्ज अमाउंट लगभग आपको मालूम होना चाहिए कि इसका कैपेसिटी, कोई बता सकते हो कि सीडी रॉम की कैपेसिटी कितनी होती है, सीडी रॉम की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर ये जवाब जो देगा वो आज के सेशन का विनर होगा, आज का जो IPL खिताब मिलेगा। ठीक है, CPL, मुझे आपको एक मालूम होना चाहिए कि मैंने CPL लॉन्च किया है, कंप्यूटर प्रीमियर लीग। ठीक है, अरे विशाल तुमने भी सीडी कहा था यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा अगर मेरी ये सवाल आप याद रखते हो कि इनमें से कौन सा है जो एक मेटालिक, सीडी रॉम की कैपेसिटी कितनी होती है, ये अगर मैं आपसे जानने चाहता हूं तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सीडी रॉम की कैपेसिटी कितनी होती है। चलिए राइट, बिल्कुल विशाल का कहना सही है, अप टू 700 MB, 750 भी कह दो, कोई 700 या 750 MB इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए
हनुमान बेटा गलत है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट भैया तुम्हें पढ़ना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इनटू कॉलम और कॉलम डेटा इनटू रो। इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करता है, इनमें से कौन सा है जो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करता है। हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज, नन ऑफ दीज, क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, हाइपरलिंक, इंडेक्स, ट्रांसपोज, रोज या नन ऑफ दीज, क्या होगा जो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित करता है। मेरे प्यारे साथियों, सही आंसर यहां पे है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक एक्सेल में एक फैसिलिटी है, एक एक्सेल में एक फैसिलिटी है जिसका काम है रो को कॉलम में, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में परिवर्तित कर देना। ये काम कौन करता है, ये काम आपका ट्रांसपोज करता है। ठीक है, ट्रांसपोज इज द राइट आंसर, ट्रांसपोज इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, फिटनेस फ्रैंक तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत गड़बड़ है बेटा, थोड़ा सा आपको पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है, मेरी पुरानी वीडियो को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है, फाइल एक्सटेंशन इज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन उपयोग करने के लिए किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन अगर होता है, अगर हम लिखते हैं .gif एक एक्सटेंशन है, तो ये इसका उपयोग किसके लिए होता है, नेम ऑफ द फाइल, इंश्योर द फाइल नेम इज नॉट लॉस्ट, आइडेंटिफाई द फाइल या आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, क्या होगा राइट आंसर। इंश्योर द फाइल नेम, नॉट आइडेंटिफाई द फाइल, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, यार शेयर ज्यादा ज्यादा करो सेशन को, सेशन को शेयर करो, बच्चों की संख्या इतना बढ़ा दो यार, कम से कम 3 डिजिट में तो बच्चों की संख्या रखो यार, 3 डिजिट में रखो, बेहतरीन पूरे YouTube के इतिहास में सबसे बेहतरीन कंटेंट दूंगा, इसका कमिटमेंट है। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, राइट आंसर आपका क्या है, बिल्कुल सही, आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, ये फाइल के टाइप को बताता है, ये क्या बताता है, तो फाइल के टाइप को बताता है, कौन, तो आपका फाइल एक्सटेंशन। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, परमानेंट इंस्ट्रक्शन दैट आर कंप्यूटर यूज्ड व्हेन इट इज टर्न ऑन एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बाय अदर इंस्ट्रक्शन आर कंटेंड इन, इनमें से कौन सा है जो परमानेंट इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए उपयोगी है और उसे हम लोग बदला नहीं जा सकता, उसे हम लोग बदला नहीं सकते, वो रैम होगा, वो रोम होगा, वो ALU होगा, यस, ये रागनी एक्स जो है भाई, वो पूरा मतलब क्या बोला जाए, ओके ओके करोगे तो पूरा ओके ही करोगे, आंसर करोगे तो पूरा आंसर ही करोगे, भाई रहन दे यार, हो गया, समझ में आ गया, मुझे समझ में आ रहा है तुम बहुत टाइपिंग में मास्टर हो, ओके ओके 10 बार टाइप करने से ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग हो जाएगा या आप जो आंसर दिए वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार लिखो सफिशियंट है। तो गाइस अगर इस क्वेश्चन पे आते हैं तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, आपका हो जाएगा सही उत्तर क्या है, रॉम इज द राइट आंसर, रॉम इज द राइट, परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो रॉम ही होता है और उस इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है बायोस। बायोस है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टोर कहाँ रहता है, तो रॉम में, हमारा वो रॉम में इंस्टॉल होता है, क्या याद रखिएगा कि रॉम में है वो आपका परमानेंट इंस्ट्रक्शन है, वो स्टोर रहता है कहां पे, तो रॉम में। तो गाइज यहां पे याद रखिएगा बायोस है वो आपका राइट आंसर है, कहां स्टोर रहता है, तो रॉम में आपका स्टोर रहता है, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टाइपिकली नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा होता है। बिल्कुल आप MPCPCT की तैयारी करते हो तो भी बेनिफिट है, लेकिन आपको मैं बताता हूं कि शाम को साढ़े तीन बजे वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल हमारा जो है उसमें आ जाइएगा, उस पर मैं आपको इसकी क्लासेस दे दूंगा। ठीक है, तो आपको CPCT के लिए पढ़ना है वहां पे आ जाना, ये सिर्फ बैंकिंग के लिए है। ठीक है, यहां भी पढ़ सकते हो, वहां भी पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए आते हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल कंप्यूटर क्या कहा जाएगा, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नेटवर्क स्टेशन या नन ऑफ दिस। राइट आंसर हमारा होगा नेटवर्क सर्वर इज द राइट आंसर, नेटवर्क सर्वर इज द राइट आंसर, नेटवर्क सर्वर होगा वो इसका राइट आंसर होगा, क्लियर है, नो प्रॉब्लम। सर्वर होता है जो किसी भी नेटवर्क का सबसे पावरफुल कॉम्पोनेंट होता है, किसी भी नेटवर्क का सबसे पावरफुल कॉम्पोनेंट जो है वो हमारा सर्वर होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्या कहा जा रहा है, When computer uses edit a document, they can change appearance. इनमें से कौन सा है
जो डॉक्यूमेंट के अपियरेंस को बदलता है। अपियरेंस को बदलने का काम कौन करता है? एडिट, क्रिएट, सेव या फॉर्मेट। अपियरेंस कहने का मतलब है कि वही जो हम लोग करते हैं ना, सेव, सेव एज, रिप्लेस करना, रिप्लेस करना, ठीक है। तो रिप्लेस करने का, याद है थ्री इडियट्स वाला वो चतुर वाला स्पीच, तो वो किसके माध्यम से हुआ? अपियरेंस ही उसका बदल दिया था, ठीक है। तो वो किस माध्यम से होता है? अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का अपियरेंस को बदलना है, याद रखना थ्री इडियट्स का वो स्पीच वाला सीन, जो चतुर ने जो स्पीच दिया था वहीं पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? कौशल का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, और कौशल अगर आंसर बोल चुका है तो गलत कैसे होगा? इतना बड़ा ख्याति तुमको दे रहे बेटा, गलती मत करना। तो राइट आंसर होगा एडिट इज द राइट आंसर, एडिट इज द राइट आंसर। 11 का डी नहीं होगा, फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए, एडिट इज द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, क्या कहा जा रहा है? द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न डेटा इनटू, किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? डेटा को किस में परिवर्तित करना? वेबसाइट में, इंफॉर्मेशन में, प्रोग्राम में, ऑब्जेक्ट्स में, या नन ऑफ दीज में? क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट, क्या होगा राइट आंसर? तो मेरे प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है डेटा को किस में बदलना। बिल्कुल सही आंसर है, वो इंफॉर्मेशन में बदलता है। किस में? इंफॉर्मेशन में। आप समझ लेना कि कंप्यूटर अगर इनपुट लेता है ना मेरे भाई, अगर कंप्यूटर इनपुट लेता है तो डेटा लेता है, और ये अगर आउटपुट देता है ना तो इंफॉर्मेशन देता है। आउटपुट जो होता है वो आपका इंफॉर्मेशन होता है, तो ये डेटा हो गया और ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया। राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो राइट आंसर क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, 13 क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय, कंप्यूटेशनल और लॉजिकल। कंप्यूटेशनल कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक, प्लस माइनस, गुना, भागा, ये कंप्यूटेशनल कहा जाएगा। एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय द, वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? रह, मैंने गलत बता दिया क्या? गलत बता दिया भाई, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं यहां पे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि अगर चलो, एक सेकंड, एक सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हाँ बिल्कुल, एक बच्चे ने याद करवा दिया है। एक सेकंड, थोड़ा सा देख रहा हूं क्या बच्चा, किसमें गलतियां हो गया भाई, थोड़ा सा बता दो कौन सा क्वेश्चन के बारे में तुमको लग रहा है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर बताओ, तब हम उस पर जिक्र कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बताओ कि कौन सा होगा, ठीक है। कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय, कंप्यूटेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेशन वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सिंपल सा बात है, एएलयू के द्वारा किया जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ARTHMATI से, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है? अरे जो पूछना है पूछ लो, और कौन सा सवाल में तुमको कंफ्यूजन है वो भी बता दो। एक सेकंड में थोड़ा चेक कर लेता हूं, क्योंकि गलतियां नहीं होनी चाहिए। ये तो सही है, 12 का 11 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, 11 नंबर क्वेश्चन में तुमको डाउट है, देख लेते हैं क्या है। वेयर अ कंप्यूटर यूजेस अ डॉक्यूमेंट दे चेंज अपियरेंस इज कॉल्ड, अच्छा चेंजेस इन टेक्स्ट अपियरेंस है ना, सॉरी 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 यार, अपियरेंस है, यानी कि टेक्स्ट अपियरेंस है, उसे हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब, हाँ फॉर्मेटिंग होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो चुका था तो सुधार देते हैं, कोई बात नहीं, हम भी इंसान है, मिस्टेक हो चुका क्वेश्चन पढ़ने में। तो फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है अपियर, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा क्लियर ही कर देता हूँ। एडिटिंग का मतलब होता है, एडिटिंग का मतलब होता है टेक्स्ट को चेंज करना या डॉक्यूमेंट को चेंज करना, टेक्स्ट चेंज करना।
फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, चलो ठीक है हो गया, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपियरेंस को बदलना, ठीक है, अपियरेंस चेंज करना, ठीक है। और एक होता है प्रूफिंग, अच्छा प्रूफिंग होता है, प्रूफिंग का मतलब आपका हो जाता है करेक्ट, टेक्स्ट को करेक्ट करना, टेक्स्ट को करेक्ट करना, ठीक है। तो अपियरेंस मैंने ध्यान नहीं दिया था, टेक्स्ट को करेक्ट करना। तो अगर टेक्स्ट को करेक्शन करना है यानी स्पेलिंग वगैरह सही करना है तो प्रूफिंग कहेंगे। अपियरेंस कहने का मतलब होता है इसके फॉर्मेट को, लुक कलर को चेंज करना है, उसके बोल्ड बोल्ड है इटैलिक है ये सब को चेंज करना है तो फॉर्मेटिंग होगा। पूरा टेक्स्ट को ही बदलना है, विवेक को बदल के पांडे कर देना है तो वो आपका एडिटिंग होगा, वो आपका एडिटिंग होगा, ये याद रखिएगा। विवेक को बदल के अगर ये कर देना है तो सब लोग एडिटिंग है। तो अगर टेक्स्ट चेंजेस को एडिटिंग कहा जाता है, अपियरेंस चेंजेस को फॉर्मेटिंग कहा जाता है, और टेक्स्ट करेक्शन को प्रूफिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मैंने अधूरा ही पढ़ा था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो बहुत अच्छा लड़का, ध्यान दे दिलवा दिया वहां पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, इनमें से कौन सा है जो एक कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है? वो इंटरनेट है, वो फ्लॉपी डिस्क है, वो आपका पावर कॉर्ड है, या फिर डेटा होगा। इन कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कॉर्ड या डेटा? राइट आंसर आपका क्या होगा? अगर राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं, चलिए तो राइट आंसर आपका क्या है? इंटरनेट इज द राइट आंसर। इंटरनेट जो है वो आपका कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल होता है, इंटरनेट है वो यहाँ पे कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल होगा। तो ज्यादा समझना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं, तो आपका इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, इंटरनेट इज द एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। स्टोरेज दैट रिटेन इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न ऑफ इज रेफर्ड टू, इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज है जो पावर के बंद हो जाने के बाद भी डेटा को रिटेन करता है, दैट मीन स्टोर रहता है? कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी डेटा स्टोर रहेगा, दैट मीन्स रिटेन रहेगा, उसे क्या कहा जाएगा? उसे वॉलाटाइल स्टोरेज कहा जाएगा, उसे नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज कहा जाएगा, उसे सिक्वेंशियल स्टोरेज कहा जाएगा, या फिर डायरेक्ट स्टोरेज कहा जाएगा, या फिर नन ऑफ दिस कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? कि अगर डेटा को रिटेन रखना है यानी हमेशा स्टोर रखना है तो वो आपका नॉन वॉलाटाइल स्टोरेज कहा जाएगा, नॉन वॉलाटाइल, ठीक है। नॉन वॉलाटाइल में क्या होता है कि पावर की आवश्यकता नहीं होती, पावर की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वैसे मैंने ये पूरा डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, वो सब हो गया। और वोलाटाइल में क्या आ जाता है? जैसे कि रैम है वो आपका वोलाटाइल है, आपका कैचेस मेमोरी है वो आपका वोलाटाइल है, ये सब आपका वोलाटाइल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे वोलाटाइल है, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल है, क्लियर है, समझ में आ गया? वोलाटाइल है जिससे रेगुलर पावर की आवश्यकता पड़ती है, जिसको रेगुलर पावर की आवश्यकता पड़ती है वो है वोलाटाइल। जैसे कि रैम आपका वोलाटाइल मेमोरी है, कैचेस मेमोरी आपका वोलाटाइल मेमोरी है, रजिस्टर भी है वो भी आपका वोलाटाइल मेमोरी, रजिस्टर को भी हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, लिख लेना कहीं साइड में, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या होगा? इनमें से कौन सा है जो एक स्मॉल साइट ऑफ नेटवर्क है, सबसे छोटा नेटवर्क इनमें से कौन? ये तो सबसे बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया यार, ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन ऑफ टाइम का भी समय मत लो और यहां पे आंसर कर दो, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी टाइम मुझे नहीं चाहिए और यहां पे आप आंसर कर दो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों? अगर मैं बात करता हूं यहां पे, राइट आंसर क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है आपका लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क है ये, सबसे छोटा है लोकल एरिया नेटवर्क है, इसे हम लोग इथरनेट भी कहते हैं, इसे हम लोग इथरनेट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। इसका स्टैंडर्ड 802.3 होता है, ठीक है, IEEE 802। अरे वाह, सब कोई पारंगत हो भाई, सब कोई मास्टर हो, ठीक है।
मतलब यही नारा है, याद रखिएगा यही नारा है कि हमको सबसे ज्यादा मार्क्स अगर मेरा मेंस में आएगा तो इसी सब्जेक्ट में आएगा, ये तो मैं आपको बता, सबसे ज्यादा अगर आपका करेक्ट होगा तो इसी सेगमेंट में होगा अगर आप लगातार हो तो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो फाइंडिंग द एरर इन सॉफ्टवेयर कोड, कोड का मतलब प्रोग्राम होता है। अब इसका जवाब दे दो तो मैं समझ जाऊं कि नहीं आप लोग सही हो। सॉफ्टवेयर कोड में एरर को फाइंड करने की विधि को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कोड लिखा गया है, ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर कोड लिखा गया है, क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या है? राइट आंसर आपका होगा, सॉफ्टवेयर कोड की अगर यहां पे बात की जाए तो राइट आंसर आपका होगा डिबगिंग। डिबगिंग इज द राइट आंसर। समझ लेना, सॉफ्टवेयर कोड लिखा गया है, सॉफ्टवेयर कोड लिखा गया है, दैट मींस प्रोग्राम लिखा गया, ठीक है, दैट मींस प्रोग्राम लिखा गया। तो प्रोग्राम में एरर फाइंड करने को, एरर को फाइंड करना उसे कहते हैं डिबग। फाइंड करना, डिटेक्ट करना, रिमूव भी करना, ढूंढना और दूर करने का भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सॉफ्टवेयर कोड को फाइंड को एरर करने सॉरी फाइंड करने को हम लोग क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं, डिबगिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वही अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर लिखा रहता कि सॉफ्टवेयर के एरर को दूर करने को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग टेस्टिंग कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिंग कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में अगर एरर है तो टेस्टिंग है, सॉफ्टवेयर कोड यानी कि प्रोग्राम में एरर है तो उसे हम लोग डिबगिंग कहेंगे, क्लियर है। चलिए, व्हाट मेन्यू इज सेलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट, इसमें से कट कॉपी एंड पेस्ट का काम कौन करेगा? फाइल, टूल, स्पेशल या एडिट? आंसर करो बघेला। चलो क्या होगा राइट आंसर, कि कट कॉपी और पेस्ट करने का काम इनमें से कौन करेगा? कट कॉपी और पेस्ट करने का काम कौन करेगा, ठीक है। कंपाइलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन, कंपाइलर जब ट्रांसलेट करता है सोर्स को ऑब्जेक्ट कोड में तो उसे हम लोग कंपाइलिंग कहते हैं। चलिए सही आंसर क्या है, सबका गलत है, एडिट में होता है, एडिट में, ठीक है, एडिट के तहत आएगा। बलवीर सुधार लो बेटा, फाइल के अंदर न्यू वाला ऑप्शन आता है, ठीक है, सुधार लो, एडिट होगा। आई कैन मेक इजियर टू प्ले गेम, इनमें से किसका मदद करके हम लोग गेम आसानी से प्ले कर सकते हैं? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड या पेन, इनमें से कौन सा ऐसा टूल है जिसका उपयोग करके हम लोग गेम का मतलब गेम आसानी से खेल सकते हैं? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन या नन ऑफ दिस, क्या होगा राइट आंसर? चलिए राइट आंसर की अगर मैं बात करता हूं तो सही आंसर यहां पे है जॉयस्टिक इज द राइट आंसर। जॉयस्टिक है जिसका यूज होता है, यूज टू प्ले गेम, यूज टू प्ले गेम में इसका उपयोग होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का अंतिम सवाल है। द टू री स्टार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड वेन कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑन, ठीक है। चलो ठीक है, पूछ दिए तो क्या गुना हो गया, रिवीजन हो गया ना यार, अगर हो गया तो रिपीट तो हो गया, रिवीजन हो गया आपका, क्या दिक्कत है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। द टू रीस्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जो ऑलरेडी ऑन है? उसे कोल्ड बूटिंग कहेंगे, उसे वार्म बूटिंग कहेंगे, उसे शटडाउन कहेंगे, लॉगिंग ऑफ कहेंगे या फिर नन ऑफ दिस, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब, रीस्टार्ट करने को हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्म बूट। ये होता है रीस्टार्ट और ये होता है स्टार्ट, याद रखिएगा, ये आपका स्टार्ट है और ये आपका रीस्टार्ट, ठीक है। चलिए तो दो आंसर है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों ये था आज का टॉप 2020 सीरीज जो मैंने आपसे बता दिया, यहाँ पे याद रख लीजिएगा, कल फिर हम लोग मिलेंगे। जाते जाते बस इतना कहता हूं कि गाइस आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन क्यों लेंगे? इसलिए क्योंकि आप हमसे लाइव जुड़ के पढ़ाई करते हैं, मल्टीपल एजुकेटर, सिर्फ हमसे नहीं ऐसे तमाम एजुकेटर जो हमारे यहाँ है सबसे आप पढ़ाई करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को हम लोग डे बाय डे एनालिसिस करके आपको बताते हैं,
तीसरा आपको आपकी जो भी समस्या होता है लाइव आपके क्लास में दूर करते हैं। चौथा है आपका ऑल सब्जेक्ट इन सिंगल सब्सक्रिप्शन। अगर आपने बैंक का सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो बैंक की कैटेगरी में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, रीजनिंग, क्वांट, मैथ, इंग्लिश, सबकी क्लासेस मिलती है। और जितने भी एजुकेटर हैं, मल्टीपल एजुकेटर, मल्टीपल कोर्सेस, एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको सब कुछ मिल जाता है। चौथा, आपको रेगुलर क्विज मिलता है जो आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलता है, यानी आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स चाहिए वो भी आपको मिल जाता है। कैसे ले, अगर अनएकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो करना कुछ नहीं है, अनएकेडमी का लर्निंग ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, आप उसे ओपन कीजिए, गोल चूज कीजिए। अगर आपका गोल है बैंक तो बैंक गोल चूज कीजिए, गोल चूज जिसका जो भी गोल है, ठीक है। अगर कोई बैंकिंग की तैयारी करते हो तो बैंक होगा, सब मोस्टली यहाँ पे बैंकिंग वाले ही बच्चे होंगे। आपका गोल होगा बैंक, बैंक के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। जैसे आपने गेट सब्सक्रिप्शन पे किया, आपको प्राइस लिस्ट आ जाएगा, 12 मंथ, 24 मंथ, या 12 मंथ ही आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। 12 मंथ की फी है 6,000। आप वहां पर रेफरल कोड लगाते हो पांडे 11, लिख लेना कहीं साइड में पांडे 11। ये एक ऐसा रेफरल कोड है कि किसी भी सब्सक्रिप्शन में आपको काम करने वाला है, लिख लेना कहीं PANDEY11, ठीक है। ये यूनिवर्सल कोड है, कहीं भी काम करेगा, ठीक है। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट आप किसी भी मोड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, और अब तो EMI फैसिलिटी भी है। आप EMI 3 मंथ, अगर मान लो कि एक साल की फी, अगर मैं बताता हूं, अगर आपको एक साल की फी है 6,000 रुपया, आपने रेफरल कोड लगा के वो फी कर दिया 5,400, 5,400 रुपया भी एक साल में पे नहीं करना चाहते हो तो आप इसको EMI पे कर दो। मान लो कि 12 महीने के EMI में कितना हो गया, कितना हो गया भाई बता सो, यानी लगभग आपको 12, 25, 60 होता है, यानी 400 रुपया प्रति महीने, 400, 450 रुपया प्रति महीने के खर्च पे आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो। इतना में तो होम ट्यूशन क्लास, नर्सरी क्लास का भी ट्यूशन फी आजकल 1,500 रुपया हो गया है, ठीक है। तो आप मात्र 450 रुपया लगभग महीने का खर्च करके आप बैंकिंग के जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, और वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, बहुत बेनिफिशियल सौदा है। अगर तैयारी करना चाहते हो बैंकिंग का कि नहीं सर मुझे एक साल में क्रैक कर लेना है, तो कहीं ना कहीं ये आपको जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, रास्ता दिखाना मेरा काम है, आपको जाना या नहीं जाना आपका काम है, बस यही मैं कहूंगा। और बस इतना भी मैं आपको एक बात जरूर और बता देता हूँ कि आप अगर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल स्ट्रक्चर कोर्स में जाते हो तो जो काम मेरा 2 साल में होना है वो काम मेरा 1 साल में हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे जैसे टॉप एजुकेटर जो है वो आपको डे बाय डे अब मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। चलिए जाते जाते बस इतना कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं कल।